स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन चल के प्यास एक ही तो है आस जग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमेन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। योहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करुणा तेरी
जिंदगी में जब मुश्किल परिस्थितियां आती है तो उस समय हमें एहसास होता है कि हमारे साथ अगर कोई हो और मेरा मदद करने वाला कोई हो तो कितना अच्छा होगा। इस जीवन जल के कार्यक्रम को सुनने वाले देखने वाले तमाम लोगों को आज एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा स्वागत है। एक लड़की थी, छोटी थी, और वो हवाई जहाज़ पर फ्लाइट पर वो यात्रा कर रही थी और यात्रा के दरमियान कुछ इंजन की खराबी के कारण फ्लाइट में कुछ समस्या होने लगे और फ्लाइट थोड़ा सा इधर उधर होने लगा। फ्लाइट में जितने भी लोग थे सब डर गए, कई लोग चिल्लाने लगे, लेकिन वो लड़की बहुत शांति के साथ अपने सीट पर बैठी हुई थी और उसके बगल में एक बुजुर्ग आंटी थी। वो इस लड़की को देखकर उसको आश्चर्य हुआ कि ये लड़की फ्लाइट में इतने समस्या होने के बावजूद भी ये लड़की बड़ी शांति से बैठी हुई है। तो उस औरत ने इस लड़की को पूछी, बेटी तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? और उस छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंटी, मुझे डर नहीं लगता। पूछे कि ऐसा क्यों? बताए कि ये फ्लाइट का जो पायलट है वो मेरा पिताजी है। मेरे पिताजी जानते हैं कि मैं उस फ्लाइट में सफ़र कर रही हूँ। मेरे पिताजी इस फ्लाइट को चलाते हैं तो मुझे क्यों डरना है? प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा जिंदगी को, ये संसार को जब चलाते हैं, हमें क्यों डरना है? और इसी संदेश देने वाले एक भजन संहिता 23 और उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम पहले पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और इस भजन संहिता में दाऊद अपने जीवन का 3 आनंद का रहस्य आपको बताते हैं। दाऊद अपने जिंदगी से वो क्यों आनंदित है, इसका 3 रहस्य वो बता रहे हैं। 1 से लेकर 3 पद तक में उसका पहला रहस्य दाऊद बता रहे हैं। दाऊद से पूछो कि दाऊद तुम क्यों आनंदित है, वो बताएंगे, मैं आनंदित इसलिए हूँ, मेरे जिंदगी से मैं आनंदित हूँ, वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। जब परमेश्वर मुझे चलाता है मुझे किस बात का डरना है? और दाऊद आगे बताते हैं, यहोवा केवल मुझे चलाने वाला नहीं है, और बताते हैं मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो बता रहा है यहोवा मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वो आगे बता रहा है कि यहोवा वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और दाऊद बता रहे हैं कि वो केवल मुझे चलाने वाला नहीं, वो मेरी ज़िंदगी के हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और बता रहे कि मेरे जी में जी ले आता है, अर्थात मैं जब रास्ता भटक जाता हूँ वो मुझे वापस ले आने वाला परमेश्वर है। और हमारा परमेश्वर वो बता रहा है कि वो मुझे वापस ले आने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद दाऊद वहाँ पर बता रहे कि धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरा परमेश्वर मुझे ले चलने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है, मेरा परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है, मेरा परमेश्वर मैं जब रास्ता भटक जाता हूँ वापस ले आता है, मेरा परमेश्वर मुझे ले चलने वाला परमेश्वर है। दाऊद बता रहे मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी से मैं बहुत आनंदित हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। प्रियो, धन्यवाद हो, दाऊद ने इस परमेश्वर को पहचाना, ये परमेश्वर को अपना परमेश्वर जाना, कह रहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इसराइल परमेश्वर को अपना चरवाहा मानते हैं, लेकिन किसी ने कभी परमेश्वर के साथ इस व्यक्तिगत संबंध को कभी जाहिर नहीं किया जैसा दाऊद यहाँ बता रहे कि दाऊद ने परमेश्वर को व्यक्तिगत तरीके से जाना, उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध उन्होंने बनाया। प्रियो, परमेश्वर हमसे भी ये उम्मीद करते हैं, परमेश्वर के साथ हम एक व्यक्तिगत संबंध में आए। ये बात सच है कि परमेश्वर ने हम सबको बनाए, वो हमें चलाना चाहते हैं, लेकिन
जो उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं उनको परमेश्वर विशेष रीति से चलाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, अगुवाई करना चाहते हैं, जब रास्ता भटक जाते हैं उन्हें वापस लाना चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और उन्हें संभालना चाहते हैं। कैसे हम एक व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं? हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार एक अध्याय और उसके 12वीं पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हम बना के रख सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 10वें अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जान को देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान देने वाले, उन्हें बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर सबसे पहला सच्चाई हमें बताते, हम इस जिंदगी में आनंदित रह सकते हैं। हमारे जिंदगी के हर ज़रूरतों को पूरे करने वाला एक परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हम संसार में आनंदित रह सकते हैं। एक और बार यहाँ पर एक और सच्चाई हम देख सकते हैं। दाऊद बता रहा है कि वो मुझे धर्म के मार्ग पर मुझे ले चलता है। यदि परमेश्वर हमारा चरवाहा है वो हमेशा हमें धार्मिक मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले कर चलते हैं। बुराई के मार्ग परमेश्वर का मार्ग नहीं है, पाप का मार्ग परमेश्वर का मार्ग नहीं है, वो शैतान का मार्ग है। परमेश्वर जहाँ पर हमारी अगुवाई करते हैं हमेशा सत्य के मार्ग पर वो हमारी अगुवाई करते हैं। और दूसरा सच्चाई यहाँ पर दाऊद हमें बताना चाहते हैं, वो क्यों आनंदित है, क्योंकि उसका 4 पद में बताते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद बता रहा है केवल मैं जीवन में आनंदित नहीं हूँ परंतु मैं मृत्यु में भी आनंदित हूँ। इस भाग को चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई, अंग्रेजी ट्रांसलेशन को अगर आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा है मृत्यु की तराई से होकर भी चलूँ। एक विश्वासी मृत्यु से होकर चलने का परिस्थिति भी आए उसे डर नहीं है, वो आनंदित है, क्योंकि वहाँ लिखा है ऐसे चलने पर भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। मृत्यु की तराई से होकर यदि जाना भी पड़े हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, वो हमारी अगुवाई करता है। एक विश्वासी को मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस अपना ज़िंदगी में इस प्रकार बताया, पौलुस ने बताया कि मैं चाहे जीवित रहूं या मरूं मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूं। और पौलुस ने एक जगह इस प्रकार बताया, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। मृत्यु कैसे लाभ हो सकती है? मृत्यु दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा घटी है। कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं अरे उस परिवार के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान हो गया, लेकिन एक विश्वासी जब मरते हैं वो नुकसान नहीं है परंतु उस विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ी फायदा है। कैसी फायदा है? क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पर उनसे प्रेम करने वाले लोग तो है ही, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा प्रेम करने वाले प्रभु के पास चले जाते हैं। संसार में उनका रहना, उनके रहना ज़रूरी है तब पर भी उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर के साथ उस उत्तम भवन में वास करने के लिए जा रहे हैं। एक विश्वासी के लिए मरना लाभ है प्रियो, वो मृत्यु से नहीं डरता, उनको मालूम है मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। मुझे सुनने वाले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर मृत्यु का भय है? मृत्यु के बाद क्या होगा आपको मालूम है? मृत्यु के बाद आपके लिए एक सुनहरा जिंदगी होगा, इस बात का आपका यकीनन है? लंबे समय पहले एक फ्रेंच फिलोसोफर था, एक दार्शनिक थे, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था और उन्होंने खुलेआम यीशु मसीह का उन्होंने तिरस्कार करते थे और लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करने का प्रोत्साहन देता था। उन्होंने कहा बाइबल की कहानियाँ, बाइबल की जो बातें हैं वो सब कहानी है। उन्होंने कहा 100 साल के अंदर बाइबल दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। परमेश्वर पर उनका विश्वास नहीं था। बहुत सारे किताबों को लिखे, बहुत सारे पैसे उनके पास थे, लेकिन वो जब मर रहा था किसी अस्पताल से उनको देख रेख करने के लिए किसी महिला को वहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन मृत्यु के बाद उस महिला अस्पताल में आकर इस प्रकार बताने लगे, परमेश्वर पर विश्वास ना करने वाले किसी के घर में उनका अंतिम
सेवा के लिए मैं नहीं जाऊंगी, अगर जाने का मौका पड़े तो मैं इस काम को मैं त्याग करूंगी, ऐसे उन्होंने उस अस्पताल में जाकर बताए। पूछा ऐसे क्यों है, क्योंकि वो बताए कि वोल्टेयर का जो मृत्यु है बहुत भयानक था। मरने के समय में उन्होंने अपने पलंग पर पकड़ लिए और उसको मालूम था कि उसके प्राण निकल रहे हैं, वो चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा कि हाय, मेरे सामने अंधेरे मुझे दिखाई दे रहा है, कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं, मैं अंधेरे की ओर ढकेले जा रहा हूँ। ये चिल्लाते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को छोड़ा, अपने प्राण को छोड़ा। उसी समय कुछ साल के बाद अमेरिका में परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने वाला डीएल मूडी का मृत्यु हुआ। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे, जब वो मर रहा था उनके बारे में इस प्रकार बताए, उनका परिवार के लोग इनके आसपास में थे और सब लोग इनकी मृत्यु के समय थे। मृत्यु के समय उन्होंने इस प्रकार बताया, क्या यही मृत्यु है? और स्वर्ग से स्वर्गदूत आते हुए मैं देख रहा हूँ, मुझे लेने के लिए स्वर्गदूत आ रही है। उन्होंने इससे पहले कुछ दिन पहले इस प्रकार लिखा था, मृत्यु से कुछ दिन पहले, जब तुम सुनोगे डीएल मूडी का देहांत हुआ तुम विश्वास नहीं करना, डीएल मूडी का केवल पता चेंज हो गया है। डीएल मूडी यहाँ से उनका पता चेंज हो गया और उनका पता और कहीं पर लग गया है। डीएल मूडी जानता था कि वो मृत्यु के बाद कहाँ जाने वाले हैं। प्रियो, कितना बड़ी शांति की बात है। दाऊद बता रहे हैं, मृत्यु से भरी हुई तराई से होकर मैं चलूँ फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, मैं ख़त्म नहीं होने वाला, मैं नाश नहीं होने वाला, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इस पर्दे के बाद मैं और एक जगह की ओर जाने वाला हूँ, वह है आनंद काल की स्वर्ग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी ने इस प्रकार एक गीत लिखा है, जब मेरा नाम वहाँ पुकारा जाएगा मैं भी वहाँ पर हूँगा। और उस व्यक्ति ने उस गाना लिखने से पीछे एक कहानी था, वो यही है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले थे और इस व्यक्ति गांव में जाकर बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में और कुछ नैतिक शिक्षा देते थे। वहाँ पर एक गरीब परिवार का एक बच्ची थी और वो इनके घर आते थे और बैठकर प्रभु का वचन सुनती थी और काफ़ी अच्छी एक लड़की थी। लेकिन कुछ दिन के बाद वो इनके क्लास आना छोड़ दिया था। कुछ लंबे समय के बाद उन्होंने उस लड़की को ढूंढकर उनके घर गए और उनको पता चला कि उस लड़की इस दुनिया में नहीं है, दुनिया से चली गई। उनको काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपना घर गया और उसके बाद जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो रजिस्टर को देखने लगा और उसमें उन्होंने देखा दो तीन बार उसके जगह पर एब्सेंट करके लिखा हुआ है। उस समय उनको एक बात दिमाग में आया, वो लड़की प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की थी, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानी थी, तो उनको एक बात मालूम था कि मैं जब यहाँ पर उसका नाम बुलाते समय जब बच्चे लोग मिलकर एब्सेंट कहते थे तो उस समय स्वर्ग में जब उसका नाम बुलाए थे तो उस समय ज़रूर वो प्रसन्न कहे होंगे। प्रियो, दाऊद इस बात को मन में रखते हुए कहते हैं कि मैं मृत्यु से भी ना डरूंगा और उस हानि से मैं नहीं डरूंगा। और तीसरी बात, दाऊद यहाँ पर अपना आनंद के विषय में जब वो बता रहा है, वो बता रहे कि मैं अपनी ज़िंदगी से आनंदित हूँ और दूसरा बता रहे हैं मैं अपना मृत्यु से भी आनंदित हूँ। और तीसरी बात दाऊद हमें बताना चाहते हैं कि वो आनंददा के कारण भी आनंदित है। और उसका 5 और 6 पद हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। देखो दाऊद खुश है, किसके कारण? आनंददा के कारण। दाऊद अपने जीवन के संबंध में खुश है, दाऊद अपनी मृत्यु के संबंध में खुश है और दाऊद मृत्यु के बाद उनके आनंददा के संबंध में भी दाऊद खुश है। दाऊद बता रहे कि मैं यहोवा के भवन में सदैव मैं वास करूंगा। और दाऊद बता रहे वो परमेश्वर उस आनंद काल में, और यहाँ पर बता रहा है तू मेरे सताने वालों के सामने मुझे मेज बिछाएगा। दाऊद जब इस दुनिया में थे कई लोग उनको सताए थे बेवजह, लेकिन दाऊद उसके विरोध में तो कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन एक बात वो जानता था कि जब उस
अनंतकाल में रहेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर, उन्होंने जो कष्ट सहा था, दुख प्रभु के नाम से सहे थे, उसके लिए जब परमेश्वर उनका आदर करेगा तो उनके शत्रुओं के सामने परमेश्वर उनके लिए मेज बिछाएगा, उनके सामने परमेश्वर दाऊद को आदर करेगा, इस बात दाऊद जानते थे। प्रियो, हम उस अनंतता के बारे में जब सोचते हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, आप भी आनंदित हो सकते हैं, आप भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा दिन है जो परमेश्वर के लिए आपने यहाँ पर जो कष्ट सहा, जो दुख सहा, जो निंदाएं उठाए, उसके लिए परमेश्वर आपको वहाँ पर आदर करने वाला एक दिन होगा। परमेश्वर पर विश्वास ना करने वाले लोग जब अनंतकाल के नरक में पीड़ा को सहेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो उनके लिए त्याग सहा, दुख सहा, उनको आदर करने का दिन होगा, उनको प्रशंसा करने वाला दिन होगा उस दिन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उस दिन आप आनंदित होंगे, उस दिन आप खुश होंगे, क्योंकि उस दिन परमेश्वर आपका आदर करेगा। और दूसरी बात यहाँ पर बता रहे हैं उसका छठा पद में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। भलाई और करुणा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, उस परमेश्वर के भवन में भी तुम भलाई और करुणा को तुम महसूस करोगे। आज दुनिया में बहुत सारे वायदाएँ लोग करते हैं, और एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी इस प्रकार बताते हैं, जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, लेकिन जिंदगी के बाद में हमें फ़ायदा पहुंचाने वाला कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के बाद में अगर हमारी मदद कोई कर सकता है, अगर हमारी जीवन में कोई भलाई हो सकती है, वो इस पद में जैसे बताते हैं, वो परमेश्वर है जो आपको ज़िंदगी के बाद भी भलाई और करुणा आपके साथ साथ बनी रहेगी। और अंतिम बात, दाऊद उस बात से खुश है, बता रहे कि मैं यहोवा के भवन में वास करूँगा, यहोवा के भवन, यहोवा के साथ। बाइबल बताती है उसके दास उसकी चेहरा को देखेंगे और उसका आराधना करेंगे, उसका स्तुति करेंगे। दाऊद हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये उम्मीद रखता था, मैं कब परमेश्वर का भवन में जाऊँगा और उनका आराधना करूँगा। दाऊद कह रहे थे कि मैं राजा होने के कारण मेरे पास कई बार प्रार्थना करने का मौका नहीं मिलता है, परमेश्वर का वचन को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। और दाऊद अपने भजन संहिता 119 में इस प्रकार बताते हैं, मैं रात की समयों को, रात की पहरों को मैं इंतज़ार करते रहता हूँ ताकि मैं परमेश्वर का वचन को पढूं। उनको समय नहीं मिलता था, लेकिन दाऊद बता रहे मैं उस अनंतता की ओर देखता हूँ जहाँ पर मैं परमेश्वर का आराधना करूँगा, परमेश्वर का स्तुति करूँगा, और परमेश्वर का चेहरा को देकर हमेशा हमेशा हम रह सकते हैं। एक विश्वासी का जीवन आनंदी आनंद है, हम सदा आनंदित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में आनंदित हैं, हम इस, यदि हमारा मृत्यु हो जाती है उसमें भी हम आनंदित हैं, और मृत्यु के बाद एक अनंत काल की जीवन है उसमें भी हम आनंदित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमारे अंदर इस आनंद को दिया है। मुझे सुनने वाले, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी ज़िंदगी में आनंदित हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला इस आनंद आपने ग्रहण किया है? अगर करना है, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आ जाओ। दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, और आप यूहन्ना रसूल समाचार 1:12 के अनुसार बता सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरा है, वो मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा पिता है। ये संबंध में आप आ जाओ, एक आनंद का जीवन में प्रवेश करो। जब आपके जीवन में परेशानियां, मुसीबतें आ जाती है, आपको डरना नहीं, परमेश्वर आपको साथ रहेंगे, आपको ले चलेंगे, अगुवाई करेंगे, धार्मिकता का राह पर आपको अगुवाई करेगा, आपको संभालेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए हम लोग इस मनन के साथ आज के इस संदेश को समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, एक और बार आपका वचन हमें दिया प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इस ज़िंदगी में नहीं, ज़िंदगी के बाद भी हमारी अगुवाई करता है, और अनंत काल में आपके साथ रहने तक प्रभु जी आप हमारा अगुवाई करते, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे दूर है प्रभु, हम आपके पास आना चाहते हैं, और इस व्यक्तिगत संबंध में प्रभु जी हम बने रहना चाहते हैं। आप मुझे मदद करें, सहायता करें, और मेरे पापों से प्रभु जी मुझे आज़ाद दे, और आपके साथ एक संगति में रहने के लिए हमारी सहायता कर। आदर महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन।
सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन जल के कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक है, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपका काम को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड पोस्ट बॉक्स नंबर 19161 प्रभा देवी मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 08992580744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 02222422842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस jeevanjaltv@youtube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।